ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उसके अंतिम छोर पर है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है, जहां वो ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहने हुए हैं, वहीं राहुल टी शर्ट में बाहर निकल रहे हैं और एक योगी की तरह अपनी तपस्या वो इस यात्रा के अंतिम छोर में पूरा करने में लगे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, भगवान राम की खड़ौ बहुत दूर तक जाती है, उत्तर प्रदेश में राम जी की खड़ौ राहुल गांधी भी आएंगे। राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं, बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ तो वो तपस्या कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ देशों में बढ़ते मामलों के बीच कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की कांग्रेस को केंद्र की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए खुर्शीद ने कहा कि पार्टी के लिए विशेष गाइडलाइंस नहीं हो सकते, और उन्होंने कहा कि जब भी यूनिवर्सल गाइडलाइंस होंगे वो उनका पालन जरूर करेंगे। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है।